हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी अड्डा। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं अतुल सिंह। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जीव विज्ञान पार्ट 3। आज का पहला क्वेश्चन, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है कौन सा रोग? तो दोस्तों, विटामिन B6 की कमी से होता है अरक्तता यानी कि एनीमिया। जी हाँ दोस्तों, अगर विटामिन B6 की बात करें तो इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं पाइरिडॉक्सिन कहते हैं विटामिन B6 को। दोस्तों, इसका जो प्रमुख सोर्स है वो होता है आपका दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि। तो विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग तो हो जाएगा एनीमिया, और विटामिन B6 का दूसरा नाम तो वो हो जाएगा पाइरिडॉक्सिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन B2 को हम राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं, राइबोफ्लेविन। दोस्तों, अगर इसके सोर्सेज की बात की जाए विटामिन B2 के, तो वो होता है दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, मशरूम इत्यादि। तो विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट, विटामिन D की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों, उसमें प्रभावित होती है हमारी अस्थियां। जी हाँ दोस्तों, विटामिन D की कमी से जो रोग होता है, जनरली ये जो रिकेट्स होता है ये बच्चों में पाया जाता है। विटामिन D की कमी से होने वाला जो रोग रिकेट्स है वो बच्चों में होता है, और बड़ों में जो रोग होता है उसे हम ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। विटामिन D की कमी से बड़ों में होने वाला रोग हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। दोस्तों, रिकेट्स को हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, विटामिन D, अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो जनरली तो ये हमें धूप से मिलता है, अगर प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन D उत्पन्न होता है। और दोस्तों, विटामिन D का जो रासायनिक नाम है, पूछ लेता है विटामिन D का रासायनिक नाम, तो वो होता है हमारा कैल्सीफेराल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी भी विटामिन का जो अन्य नाम है, रासायनिक नाम है, वो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर ध्यान दें। तो विटामिन D का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेराल। और अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो जनरली तो हमें सुबह के धूप से मिलता है, लेकिन इसे मक्खन, घी, अंडा और मछली के तेल आदि में भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो दोस्तों, वो है हमारा विटामिन D, जिसके भी हम बात कर रहे थे। हमारे शरीर में विटामिन D का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो पराबैंगनी किरणें हैं इनके द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। तो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है तो वो हो जाएगा विटामिन D। रासायनिक नाम मैंने आपको पहले बताया था, कैल्सीफेराल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, जनरली लौह यानी कि लोहे की कमी से हमें एनीमिया रोग होता है, जिसे हम गाइटर रोग के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, लौह की कमी से अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथि की क्रिया प्रभावित होती है, और शरीर में लौह की कमी रक्त की छिड़ता यानी कि अरक्तता यानी कि एनीमिया को जन्म देती है, और इसके अतिरिक्त गाइटर रोग के लिए भी लौह की कमी जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? गाइटर। नेक्स्ट, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो दोस्तों, वो हमारा है विटामिन C। जी हाँ दोस्तों, छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C तथा जल में जो घुलनशील अन्य विटामिन है वो निकल जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सब्जियों को छिलने के बाद धोना नहीं चाहिए, यानी कि छिलने से पहले धो लेना चाहिए। तो कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो वो होगा विटामिन C। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, विटामिन है हमारा एस्कार्बिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B, अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन C
का रासायनिक नाम स्कर्वी एसिड होता है और इसी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और दोस्तों ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। तो एस्कार्बिक एसिड होता क्या है, तो यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो दोस्तों ये होता हमारा विटामिन सी की कमी के कारण, सॉरी विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमारे रोग में, सॉरी हमारे शरीर में, तो स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों स्कर्वी रोग की विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया तो वो होता है एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड। और दोस्तों अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो जितने भी सिट्रस फल हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया, पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, ये सारे विटामिन सी के मेन सोर्सेज हैं। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन सी का रासायनिक नाम तो हो जाएगा एस्कार्बिक एसिड, और अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो वो हो जाएगा सारे सिट्रस फल। नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से होता है कौन सा रोग, तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। जी हाँ दोस्तों, बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। और दोस्तों इसकी कमी, अगर विटामिन बी फाइव विटामिन बी सिक्स की कमी से डर्मेटाइटिस रोग भी होता है। अगर विटामिन बी फाइव और बी सिक्स की बात करें तो इसकी कमी से डर्मेटाइटिस रोग भी होता है, लेकिन हमें विटामिन बी पूछ रखा है तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा हमारा बेरी बेरी। नेक्स्ट, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, दोस्तों पिछले क्वेश्चन में शायद हमने इसको डिस्कस किया था, तो वो है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम तो वो हो जाएगा रेटिनॉल। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ रासायनिक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे ज़रूर ध्यान दें। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला तो विटामिन ए, और विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है, दोस्तों वो है हमारा विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है। दोस्तों विटामिन जो के होता है वो रक्त के स्कंदन में भी सहायक होता है, और अगर विटामिन के रासायनिक नाम की बात करें तो वो होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, और रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य कौन सा विटामिन है, तो वो भी हो जाएगा हमारा विटामिन के। दोस्तों अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो यह हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। तो मानव में रक्त थक्का बनाने के लिए अनिवार्य विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, दोस्तों प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला हमारा विटामिन है विटामिन ए। नेक्स्ट, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है, दोस्तों ये पाया जाता है आपके नींबू में। जी हाँ दोस्तों, साइट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, तो हमारे ऑप्शन में नींबू दे रखा है तो हम नींबू लेकर के चलेंगे, तो साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से होता है नींबू में। नेक्स्ट, टार्टरिक अम्ल डैश में नहीं पाया जाता है, दोस्तों इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में भी पाया जाता है, कच्चे आमों में पाया जाता है, लेकिन पालक में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पालक, यानी कि टार्टरिक अम्ल पालक में नहीं पाया जाता है। दोस्तों पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण कैल्शियम इसमें उपलब्ध नहीं होता है। बाकी पालक में खनिज लवण तथा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तो टार्टरिक अम्ल पालक में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, दोस्तों वो होता है हमारा नेफ्रॉन। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में दो ब्रिक या गुर्दे यानी कि किडनी पाए जाते हैं, तथा प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जिनको हम हिंदी में विक्राणु कहते हैं।
दोस्तों नेफ्रॉन या ब्रिकराड़ू ब्रिक की प्रकार्यात्मक इकाई होती है। तो गुर्दे के निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, तो हो जाएगा हमारा नेफ्रॉन। नेक्स्ट, मूत्र बनता है कहाँ पे या किस में, तो दोस्तों मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। जी हाँ दोस्तों, संग्राहक वाहिनियाँ ये किडनी का एक भाग होती हैं। दोस्तों मूत्र अगर इसकी बात करें कैसा होता है, तो क्षार अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अगर इसके पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान होता है 6। मूत्र का पीएच मान 6, और यह होता कैसा, तो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और दोस्तों इसका जो पीला रंग होता है, मूत्र का हल्का पीला रंग, उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो वो हमारा हो जाएगा यूरोक्रोम वर्णक के कारण। बनता किस में है, तो वो हो जाएगा संग्राहक वाहिनियों में, और इसका पीएच मान होता है 6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं, दोस्तों वो होता है हमारा किडनी। हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में दो किडनी पाए जाते हैं जो कि गहरे लाल रंग के सेम के बीज के आकार के होते हैं, और इनका जो प्रमुख कार्य है वो अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है, तो दोस्तों वो होता है हमारा केराटिन। केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है जो कि नाखूनों में पाया जाता है, और यह प्रोटीन बाल में, सींग, ऊन इत्यादि में भी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा केराटिन। नेक्स्ट, हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों हेमिकार्डेटा में जो उत्सर्जन होता है वो कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। दोस्तों संघ हेमिकार्डेटा ये क्या है, तो इसके अंतर्गत जो आने वाले जीव हैं वो समुद्री होते हैं। इनमें उत्सर्जन केशिका गुच्छ या कह सकते हैं ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, जो कि ब्लड वेसल्स से जुड़े होते हैं। तो हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन तो हो जाएगा केशिका गुच्छ के द्वारा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।